अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब एज। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस होने वाली पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स के बारे में बताऊंगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी। इस वीडियो में आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी सिलेक्शन स्किप ना हो जाए। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की इस जॉब का जो है आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। जीडी पायलट की तरफ से जो है जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको स्टार्ट में बताती चलूँ कि इसमें जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने का बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर मौका है। वो कैंडिडेट जो जीडी पायलट जो है इसमें जो है बनना चाहते हैं, तो आपने जो है वीडियो को गौर से सुनना है। वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी डेली की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारी वेबसाइट जॉब एज पर। आपने आ जाना है गूगल पर, आप यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब एज डॉट इन्फो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको इसकी पोस्ट नजर आएगी। आपने उस पोस्ट को ओपन करके रीड कर लेना है, वहाँ पर आपको इसका ऐड मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मैंने इसका ऐड ओपन कर लिया ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों आपको बताती चलूँ कि ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं इसमें आपको बताते चलें कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो मैं आपको स्टार्ट में बता रही हूँ। 15 से लेकर 24 फरवरी तक आपकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है। आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी www.joinpakistanairforce.gov.pk इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं जिसमें जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी जो है एज, नेशनैलिटी और उसके अलावा है उसके हाइट और इसके अलावा जो है एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल 151 जनरल ड्यूटी पायलट या जीपी की जो पोस्ट है इसमें, सॉरी जीडी की इसमें पोस्ट है, इसमें आपकी जो है एज लिमिट आपकी 16 से 22 साल तक होनी चाहिए, पाकिस्तान के सिटीज़न होने चाहिए, अनमेरिड होने चाहिए, हाइट आपकी 5.4 होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपको बताते चलें कि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस या ए लेवल विद फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी, और अगर आपके पास प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या FSC विद फिजिक्स और सब्जेक्ट्स आपके पास जो है मैथ साइंस और कंप्यूटर और साइंस और बायोलॉजी में आपके पास सब्जेक्ट्स हैं क्वालिफिकेशन का है अगर आपके पास, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग जो पीरियड है आपका वो 3 इयर्स का होगा। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है यहाँ पर आपका 97 एरोटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। इसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया और एज का और आपकी हाइट जो है यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है सेम है। यहाँ पर 107 एयर डिफेंस कोर्स है, इसमें भी आपका क्राइटेरिया सेम है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपको इसकी लास्ट में बताते चलें कि यहाँ पर जो है लॉजिस्टिक कोर्स है, इसमें जो है इसमें कोई जो आपका जो है क्राइटेरिया है वो भी आपका सेम है। मतलब आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग, आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ए लेवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ होना चाहिए। और आपको बताते चलें कि आपका जो है 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और यहाँ पर जो है 25 एडमिन और स्पेशल ड्यूटी कोर्स है, इसमें आपका जो है वही क्राइटेरिया है सेम है। ट्रेनिंग पीरियड भी आपका जो है 3 इयर्स का होगा। यहाँ पर जो है एडमिन और स्पेशल ड्यूटी कोर्स है, इसमें आपकी जो है यहाँ पर आपको बताया चले कि 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और इसमें जो है मेरिट और मेरिट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी 5.4 होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी BA BSc BBA। इसके अलावा जो है आपको बताते चले आपके पास MA MSc और इसके अलावा MP है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका CGPA जो है 2.5 होना चाहिए, 24 वीक्स की आपकी जो है ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगी। यहाँ पर आपको बताते चलें लीगल ब्रांच है, इसमें आप जो है 21 से लेकर 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इसमें यहाँ पर जो है मेरिट और मेरिट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी LLB डिग्री आपके पास है सेकेंड डिवीजन के साथ, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आपका जो है फ्लाइंग ऑफिसर को होगा। और इसके अलावा आपको बताता चलें कि इसमें जो है आप लोग आपकी यहाँ पर जो है इसमें नेक्स्ट वो कौन सी ब्रांच है, अकाउंट ब्रांच है, इसमें आपकी 18 से लेकर 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड अनमैरिड 5.4 इसकी हाइट है। एजुकेशन आपकी BCom MCom ACCA ACMA BBA MBA आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बताते हैं BS या MS आपके पास है 4 इयर्स है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो आपका ट्रेनिंग पीरियड 24 जो है वीक्स का होगा। तो इसमें जो है यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताते चलें इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स का होगा। और इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और बाकी जो है सारा क्राइटेरिया आपका यहाँ पर सेम है। यहाँ पर जो है एजुकेशन ब्रांच है, इसमें जो है 21 से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और इसमें हाइट आपकी 5.4 है। क्वालिफिकेशन आपकी जो है यहाँ पर आपको बताते चलें आपके पास मैथमेटिक्स स्टैटिस एजुकेशन या IR में आपके पास MS या MPhil डिग्री होनी चाहिए। और आपकी जो है ट्रेनिंग पीरियड आपका 24 वीक्स का होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें आपके पास 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर का आपका रैंक होगा। ट्रेनिंग पीरियड आपका 24 वीक्स का होगा। MCS BCS
या बी एस सी इन कंप्यूटर साइंस या आई टी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आई आर के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके पास है, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एयर डिफेंस की पोस्ट है, इसमें 1 ईयर आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट, और उसके अलावा 5.4 आपकी हाइट है। फ्लाइंग ऑफिसर का आपका रैंक होगा बी एस सी बी ई या बी सी एस, 4 ईयर्स विद केमिस्ट्री विद जो है फिजिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट, आपके पास सेकेंड डिग्री के साथ एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट 2 ब्रांचेस शेयर करें तो मेट ब्रांच है, इसमें आपकी 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट है, हाइट आपकी 5.4 होनी चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर की जो यहाँ पर आपका रैंक होगा एमएस या एमएससी, आपके पास जो है एजुकेशन होनी चाहिए फिजिक्स मैथ्स में सेकेंड डिवीजन के साथ 24 वीक्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। यहाँ पर जो है लॉजिस्टिक ब्रांच है, इसमें आपका रैंक जो है फ्लाइंग ऑफिसर का होगा, 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट होगी। बीबी आपके पास जो है या बीएससीएस आपके पास या बीएस जो है सीएस बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स या फार्मेसी आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, 4 वीक्स आपका जो है यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड होगा। तो ये ऑल ब्रांचेस हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताते चलें कि आप लोग जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था यहाँ पर आपके जो है www.pakistanfa.gov.pk से आप लोग जो है इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आपको डेट जो है मैंने स्टार्ट में बताई थी, उसके बाद जो है आपका जनरल ड्यूटी पायलट आपका जो है वहाँ पर आपका जो है इंग्लिश और फिजिक्स से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, जो ISSB से जो है वहाँ पर सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है इनिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आपने यहाँ पर रीड कर लेनी है। इसमें कौन को अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑलरेडी 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्ट हो चुके हैं, या जो मेडिकली अनफिट हैं, या जिनका जो है कोई केयर यहाँ पर जो है कोई केस वगैरह है कोर्ट में, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है अगर आप जो है रिजल्ट वेटिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है फर्स्ट ईयर आपका क्लियर है और आपका जो सेकेंड ईयर एग्जाम होने हैं, तो आपके फर्स्ट ईयर में आपके जो 60% मार्क्स होंगे FSC में ए लेवल या पार्ट वन में, तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। FSC पे जो है प्री इंजीनियरिंग या आपको बताते चलें तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्री इंजीनियर प्री मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है FSC का फर्स्ट ईयर ए लेवल का, तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। होप सर्टिफिकेट से आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने स्टार्ट में इसकी जो है रजिस्ट्रेशन की डेट आपको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ 15 से लेकर 24 फरवरी तक आप लोग जो है इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपको इनकी वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।